हमारे देश के वो तमाम लोग जो आज मोदी सरकार के एक फैसले के कारण सड़कों पे दिख रहे हैं, मैं उनके माध्यम से पूरे देश के बहुजनों को संबोधित कर रहा हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले एक बार जोरदार ढंग से नारा लगाएं। एक जो नारा जोरदार ढंग से लगना चाहिए इसलिए कि हमारी सभा को रोकने के लिए, डिसरप्ट करने के लिए, इंटरनेट सर्विसेज को डिसरप्ट करने के लिए कई साजिशें इकट्ठी चल रही हैं। और मोदी सरकार के साथ साथ हमें उन साजिशों का भी जवाब देना होगा। मैं जोरदार नारा दूंगा, जय भीम। आप मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। जोरदार ढंग से एक बार और, जय भीम। साथियों, आज देश के जो लोग हैं वो हमारी ओर देख रहे हैं। संसद में 161 सांसद आज 13 पॉइंट रोस्टर पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। संसद में आज सभी सांसद बेचैन हैं कि क्या सड़कों पर उनको गालियां तो नहीं पड़ रही हैं। वो तमाम सांसद जो बहुजन सांसद हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनके मन में बेचैनी है कि 10% सामान्य आरक्षण जब लागू किया तो जो मेज थपथपाई गई, क्या वो मेज थपथपाई गई या दलित और पिछड़ों के छाती पर मूंग दला गया, ये सवाल वो पूछ रहे हैं एक दूसरे से। आज उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भाई साहब ने फोन किया है कई पत्रकारों को कि हम चिंतित हैं 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर। हमारे बहुत ही अभिन्न साथी 29 तारीख को हमारी सभा को संबोधित करने वाले भाई तेजस्वी यादव तमाम राजद सांसद के साथ यहाँ आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे साथी उपेंद्र कुशवाहा जी अभी जो आ रही है जनसभा उसके साथ साथ चल रहे हैं। मैं बता दूं कि हमारे जो साथी हैं श्री सीताराम येचुरी वो भी उस जनसभा के साथ साथ चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरह जो 13 पॉइंट रोस्टर है वो क्या है। वो दरअसल में दलित पिछड़ों को नौकरी से निकालने की एक गहरी साजिश। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी 13 पॉइंट रोस्टर को अगर उल्टा क्रम में लगाया जाए, यानी कि पहले एसटी, फिर एससी, फिर ओबीसी और फिर जनरल, अगर लगेगा एक भी जनरल को नौकरी नहीं मिलेगी। अगर यह क्रम बदल दिया जाए, आज यूजीसी यह फैसला करती है, तो आप समझ लें कि कौन लोग न्यायालय के चक्कर काटेंगे। ये न्यायालय में जो साजिश रची गई, ये न्यायालय में जो हम लोगों के खिलाफ, देश के बहुजन के खिलाफ जो आदेश पारित हुआ है उसके विरुद्ध जो मंत्री है जावेडकर, जिन्होंने आश्वासन दिया था लोकसभा में कि हम ऑर्डिनेंस लाएंगे, वो भी आज चुपचाप बैठे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम पुनः PIL लागू करेंगे। PIL एक धोखा है और ये हमारे समाज के साथ साथ उच्च शिक्षा पर एक कुठारा घात है। आप ये जान लें कि आज ये जनसभा उभरा है
और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं इस वजह से कि हमारे साथ सोशल मीडिया पुरजोर ताकत के साथ खड़ी रही। आज जो है वो जो सोशल मीडिया है उसके इंटरनेट को डिसरप्ट किया जा रहा है। अभी चूंकि हमारे साथी आ रहे हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करने के साथ साथ पहले आपसे विनती करूंगा कि हमारे साथियों को यह बताने के लिए कि हम कहां खड़े हैं, हम कौन हैं, और ये जो चारों तरफ नाटक रचा गया है उस नाटक में असली किरदार कौन है, इसके लिए एक बार जोरदार नारा लगाए, जय भीम, जय सामाजिक न्याय, इनकलाब जिंदाबाद। एक बार जोर से लगाएं, इनकलाब जिंदाबाद, तेरा पॉइंट रोस्टर वापस लो, तेरा पॉइंट रोस्टर वापस लो, मोदी सरकार होश में आओ, होश में तुमको आना होगा। जय मंडल, जय भीम, जय भारत। साथियों, आप हमारे भाई और देख रहे होंगे वह जनसैलाब अब आपके बीच में है। अरे जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों, यह जनसैलाब आप देख रहे हैं, हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि प्लीज अनुशासनबद्ध होकर जहां जगह मिले वहीं खड़े हो जाइए। तकरीबन 10,000 से ऊपर की संख्या है, तकरीबन 10,000 के ऊपर की संख्या है जो आज आक्रोश मार्च में शामिल होकर आपके सामने है। साथियों, हमारे बीच राजस्थान के गंगापुर सिटी के विधायक रामकेश मीना जी हैं। मैं चाहूंगा कि वो एक बार मंच पर आइए। अरे जय 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 भीम, जय 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 भीम। समाधि साथियों, सामाजिक न्याय की हत्या का ये जो षड्यंत्र न्यायालय द्वारा रचा जा रहा है, इसके विरुद्ध दलित समाज, ओबीसी, एसटी, एससी के लोग आज सड़कों पर उतर करके अपना रुख सरकार के सामने स्पष्ट कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि 200 पॉइंट रोस्टर जो पहले से लागू था उसको लागू रखा जाए। 13 पॉइंट रोस्टर से इन वर्गों का कभी भला नहीं हो सकता। 13 पॉइंट रोस्टर शैक्षणिक संस्थाओं में कभी भी इन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। जो संवैधानिक व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को, इन समाज के, दलित समाज के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था करके दी थी, उस व्यवस्था को तार तार किया जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि 13 पॉइंट रोस्टर तत्काल खत्म किया जाए और 200 पॉइंट रोस्टर जो पहले से चल रहा था उसको लागू किया जाए। ये जो आज ये चिंगारी दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रही है, मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, देश के कोने कोने में ये दलित समाज के लोग, एसटी एससी ओबीसी के लोग सरकार की नींद हराम कर देंगे। सरकार से मांग करते हैं कि इसी सेशन में बिल लेकर के आए और इन वर्गों का उत्थान करें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।